हाँ भाई चले। तो प्लास्टिड के बारे में बताते, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूंगा प्लास्टिड के बारे में तो आपको समझना होगा प्लास्टिड का जो टर्म दिया गया था हैकल ने दिया था, है ना। तो साइंटिस्ट का नाम बहुत कम याद रखना होता, हर 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 सेल ऑर्गेनेल का मैं अगर साइंटिस्ट बताऊंगा तो आपके लिए दिक्कत क्रिएट करेगा, वो सब नहीं आता है। जो एनसीईआरटी में टर्म लिखा है साइंटिस्ट का वही मेन है, ओके वही आते हैं। क्योंकि आप कोई सेल ऑर्गेनेल का नाम दिया है तो कोई डिस्कवर किया है, कोई प्रूफ किया है, तो हम कितने लोग का साइंटिस्ट का नाम याद कराएंगे कोई। मैं इसीलिए एनसीईआरटी में देखिएगा साइंटिस्ट का नाम बहुत कम लिखा रहता है, डेट भी कम लिखा रहता है, क्योंकि कितना आप डेट याद करेंगे, बहुत सारा डेट होता है। समझ में आया ना। चलिए ठीक है, अब देखिए प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड क्या होता है पहला आप जान लीजिए। प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन कहाँ पे, प्लांट में एंड युगलीना में। युगलीना आपका क्या है, एनिमल है ना, युगलीना क्या है, एनिमल है ना भाई। तो आप सोचिए युगलीना में प्लास्टिड होता है। सलवाल आपसे पूछे कौन सा ऐसा एनिमल जिसके पास सलवाल होगा, युगलीना है। कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके पास सलवाल नहीं, भैया हम सब हैं, माइकोप्लाज्मा के अंदर भी होता है। इसका मतलब प्लांट का लक्षण युगलीना दिखा रहा है, आप देख रहे हैं ना सलवाल है और इसके अंदर क्या बोला मैंने, प्लास्टिड है, ओके। अब देख लीजिए टाइप की बात कर लीजिए प्लास्टिड का, हमें टाइप ही पढ़ाना है। तो टाइप में कौन कौन आएगा आपको पता होगा, टाइप में आएगा आपका क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और आएगा ल्यूकोप्लास्ट। पहले यही से आसान से समझ लीजिएगा, इसका मेन काम है फोटोसाइंथेसिस कराना, ओके। इसका मेन काम है गिव कलर, इसका मेन काम है हेल्प इन स्टोरेज, हेल्प इन स्टोरेज, ये आपका स्टोरेज में मदद करेगा। तो आपने पहले समझ लिया ना, पहले कहीं समझ लिया कैसे कैसे काम करेगा, यहाँ समझ लिया, इससे आपको क्या हो जाएगा बेसिक समझ में आएगा कैसे करना है। अच्छा अब आ जाइए एक एक टर्म को पढ़ लेते हैं। मैं पहले पढ़ा देता हूँ क्रोमोप्लास्ट के भी, क्लोरोप्लास्ट आपका बहुत बड़ा है तो इसको अलग से बताना पड़ेगा। मैं अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा गिव कलर, गिव कलर, या इसे मैं कह सकता हूँ कलरलेस, कलरफुल प्लास्टिड, इसे मैं क्या बोलूँगा कलरफुल प्लास्टिड। ये क्या देगा, गिव कलर, किसको देगा, गिव कलर टू, किसको देगा, फ्लावर एंड पेरिकार्प, पेरिकार्प। ये क्या करता है क्रोमोप्लास्ट, ये फ्लावर को और पेरिकार्प को, मतलब फ्लावर में पीटल को कहेंगे, गिव कलर टू, गिव कलर टू पीटल ऑफ फ्लावर, पीटल ऑफ फ्लावर एंड पेरिकार्प ऑफ फ्रूट, पेरिकार्प ऑफ फ्रूट। तो आप देखते होंगे पहले जब आम लगता है तो उसको बोलते हैं टिकोरा, कच्चा होता है। जब आम बड़ा हो जाता है तो वो पकने लगता है, तो ग्रीन कलर किस में कन्वर्ट होता है, और येलो में या तो ऑरेंज में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस पेरिकार्प का मतलब होता है फ्रूट का वॉल, तो उसको कलर देने वाला कौन है, क्रोमोप्लास्ट। ऐसे समझ में। नेक्स्ट कंटेन, इसके पास क्या, इसको कह सकते हैं इसके पास क्लोरोफिल अब्सेंट या प्रेजेंट, इसके पास क्लोरोफिल हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। और इसका मेन पिगमेंट जो है याद रखिएगा, मेन पिगमेंट इसका है कार्टिनोइड, क्या है कार्टिनोइड। और कार्टिनोइड में दो चीज़ होता है याद रखिएगा हमेशा, कैरोटीन और जेंथोफिल, जेंथोफिल। समझ में आया ना, हमने कहा था अलगा, अलगा के अंदर भी पिगमेंट होता है, कौन सा, ए बी सी डी, चार ये हो गया, फ्यूकोजांथिन फाइकोआर्थ्रिन, उनका अलग होता है, इनका अलग होता है। इसमें कार्टिनोइड हो तो वहाँ कहीं कार्टिनोइड हमने सुना क्या, नहीं सुना, आया ना। अब देखिएगा ये मेन पिगमेंट इसका कार्टिनोइड हो गया। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कलर की बात करेंगे तो कौन कौन सा कलर देगा, गिव कलर, गिव कलर, रेड ऑरेंज तो बोलेंगे रॉय, मेनली यही कलर होता है, गिव कलर रॉय, आर का मतलब बोले तो रेड कलर दे देता है, ओ का मतलब ऑरेंज और वाई का मतलब येलो। अब आप बताइए ज़्यादातर फूल या तो रेड होंगे या तो येलो होते हैं, ये तो होते हैं ना। फ्रूट का भी बात कर लीजिए, या तो ऑरेंज रहेगा फ्रूट, आप भी किसी भी फल का नाम बताइए जिसमें से ये कलर नहीं होता होगा, सारे फल इसी कलर में होते हैं।
अब संतरा ले लीजिए, अंगूर का लेंगे तो वो ग्रीन कलर का होता है, तो उसके लिए अलग पिगमेंट होता है। हमें अभी जैसे हमने कहा मान लीजिए अब आगे जाएंगे बहुत अच्छे लेवल में पढ़ने लगे तो इनका अलग अलग वेटेज होता है, कलर के बेसिस पे कैसे कलर आते हैं वो सब चीज़ें आगे सिलेबस में एमएससी करेंगे बीएससी करेंगे वहाँ बताया जाता है। तो हमें इसमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें क्या करना भैया हमारा नीट का क्वेश्चन बन जाए बस, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और मैं ज़्यादा पढ़ा भी दूंगा तो आपके लिए दिक्कत होगा, कोर्स ज़्यादा हो जाएगा, लंदी हो जाएगा, सिलेबस ज़्यादा लंदी हो जाएगा, लेकिन पढ़ना तो कम ही है ना। तो जब आपको कम चीज़ों में ज़्यादा मिलता है तो आपको लगता है कि हाँ इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा पेज भरने से आपके लिए कोई मतलब नहीं है उसका, समझ में आया ना। तो गिव कलर रेड ऑरेंज येलो मेनली यही कलर होते हैं। फ्लावर का देख लीजिए, फ्रूट का देख लीजिए, कनेल का फूल येलो होता है, गुलाब का फूल रेड होता है, गेंदा फूल येलो होता है, हिबिस्कस का येलो होता है। तो मैक्सिमम मोस्टली का मतलब जैसे मान लीजिए प्लांट की प्रजाति बहुत सारी होती है उसमें से मैक्सिमम कलर यही होते हैं, बाकी एक्सेप्शन केस में तो आप जानते ही हैं बहुत सारे कलर होते हैं, है ना। चलिए अब इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, कलर की बात करेंगे। अब देखिएगा जो टोमेटो का कलर होता है, टोमेटो कलर आया ना, जो टोमेटो कलर होता है किस पिगमेंट की वजह से होता है, मैं बोलूँगा टोमेटो कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइकोपीन, इसका मतलब इसमें लाइकोपीन का क्लोरोप्लास्ट रहता है, लाइकोपीन पिगमेंट रहता है, इसलिए वो क्या होता है टोमेटो कलर होता है, आया ना। टोमेटो का कलर क्या होता है, लाइकोपीन की वजह से होता है। टोमेटो रेड कलर होगा ना भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ रेड कलर ऑफ टोमेटो, तो रेड कलर ऑफ टोमेटो किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन। मैं चिली लिख दूं, सारे रेड ही होते हैं इसलिए मैं लिख रहा हूं रेड ही होते हैं, क्यों होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यहां मैंने तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या नाम होगा उसका, कैप्स एंथिन है, वहां था कैथेप्सिन, दोनों फर्क था। लार्वा का टेडपोल का जो लार्वा था उसकी टेल को रिमूव करने के लिए किसका यूज होता है, कैथेप्सिन का, और यहाँ क्या है कैप्सेंथिन। कैसे पता करेंगे, यहाँ लिखा कैथेप्सिन तो किस, सी का मतलब काट रहा है, सी का मतलब काट रहा है। तो जो भी नीट के एस्पायरेंट है ये दो बात याद रखिएगा, मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए पहली बात है एक टर्म है कैप्सेंथिन आया, और एक नाम है कैथेप्सिन। ये दोनों टर्म में अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप लिखेंगे कि कौन काटता है, सी का मतलब काटना, यहाँ भी काट ले, इसका मतलब ये लिखा है सीएटी काटना, काटने का मतलब लार्वा का जो टेल होता है आया ना उसको रिमूव कौन करता है, कैथेप्सिन करता है, और कलर कौन देता है, कैप्सेंथिन करता है। इसमें आप बार बार कन्फ्यूज होंगे, अब ये दूर हो गया, सी मतलब काटना, कौन काटेगा, कैथेप्सिन, सिंपल है, याद हो गया, कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए, ये लाइन आपको बार बार कन्फ्यूज करेगी हमेशा, और जब आई सामने तो आप कहेंगे क्या हो रहा था। चलिए रेड कलर ऑफ चिल्ली कैप्स एंथिन आया, और रेड कलर ऑफ गाजर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, कैरेट, हम कहें रेडिश को ऑरेंज कलर कर दो गाजर बन जाएगा, बेचना ही तो है, हम रहते सब्जी वब्जी में तो कितना सब्जियाँ कलर कर बेच देते, ओकर अंदर क्या भर देते, मिठास, क्या करते गजरिया में इसे छेद कर देते, छेद करके को बस दो चार घंटा वो वही क्या करते जो होता ना भगोना चीनी डाल बो देते, अंदर भी लाल लाल बाहर भी लाल लाल कर देते, गाजर है अब मोटी मोटी गाजर, इतना बड़ा बड़ा मूली होती है हमको पता होगा, इतनी बड़ी बड़ी होती है, बेच देते करोड़ों का टर्नओवर होता, लेकिन क्या करें मजबूरी में यहाँ खड़े हैं। रेड कलर ऑफ कैरेट उसका नाम होता है बीटा कैरोटीन, क्या, और बीटा कैरोटीन में बाबू होता है अल्फा बीटा गामा, तो आपसे पूछेगा कौन सा कैरेटीन, आपसे पूछेगा आप बीटा कर दिए, मुझे इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन इसलिए अल्फा बीटा नहीं बताएंगे, लेकिन बीटा कैरोटीन आपकी होती है अल्फा बीटा, तो बीटा लिखा नहीं है यहाँ, तो अल्फा बीटा में से कौन पूछे कैरोटीन कितनी होती है, अल्फा बीटा का मतलब तो कौन सा बीटा वाला, क्योंकि तो बीटा लिखा गया है, हम लिखे थे हम भी कन्फ्यूज थे, आया ना। ये कलर आपसे पूछेगा, ये आपका क्रोमोप्लास्ट हो गया, इतना खत्म हो गया, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं। आइए अब मैं बात करूँगा किसका, ल्यूकोप्लास्ट का।
लिकोप्लास्ट का, तो सीधा बोलेंगे कलरलेस प्लास्टिड। क्या बोलेंगे? कलरलेस प्लास्टिड। लिकोप्लास्ट को कहते हैं कलरलेस प्लास्टिड। और इसके अंदर क्या होते हैं, ये क्या करता है, हेल्प इन स्टोरेज, हेल्प इन स्टोरेज। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ प्रेजेंट होगा, स्टेम को देखा वो भी ग्रीन होती है, तो हमने बोला ये वहाँ प्रेजेंट होता है अंडरग्राउंड सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो नीचे होते हैं अंडरग्राउंड में, वह स्टोर करता है। मैंने कहा गंजी में स्टोरेज का काम कौन करता है, भाई गंजी आपके अंडरग्राउंड होती है, टोमेटो अंडरग्राउंड होता है, तो ये ज़्यादातर वहीं प्रीफर करने की कोशिश करता है जहाँ पे वो चीज़ें क्या हो, वो सेल्स अंडरग्राउंड जमीन के नीचे हो, तो हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट अंडर, प्रेजेंट इन अंडर ग्राउंड सेल। अब ये दो लाइन आपको पता, अब यहाँ जहाँ से क्वेश्चनवा बनता है वही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपसे पूछेगा लिकोप्लास्ट में तीन पार्ट होता है, तो लोगों को कन्फ्यूजन आती है कि कार्बोहाइड्रेट कौन स्टोर करेगा, फैट कौन स्टोर करेगा, प्रोटीन कौन स्टोर करेगा, वही ट्रिक है, सबसे आसान वही है। तो आप बोलेंगे लिकोप्लास्ट स्टोरेज में मदद करता, ठीक है, लेकिन क्या स्टोर करेगा, तो हम लिखेंगे स्टोर कार्बोहाइड्रेट, स्टोर स्टार्च, प्रोटीन, फैट एंड ऑयल, ये सब स्टोर करेगा। आया, लिकोप्लास्ट इन सब चीज़ों को क्या करेगा, स्टोर करेगा। अब कैसे स्टोर करेगा, कौन सा लिकोप्लास्ट स्टोर करेगा, ये भी बात है। तो आपको बताऊँ मैं इसके टाइप की, अगर मैं इसके टाइप की बात करूँ तो मैं बोलूँगा एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, ये तीन होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। अब मैं इसमें से किसी का नाम लिख दूं, मैं बोलूं बताओ कौन क्या स्टोर करेगा, तो आप बता ही नहीं पाएंगे, आप क्या रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। अब इसी का ट्रिक बनाना है, पहले स्नैप ले लीजिए, क्या यहाँ से दूरबीन चला रहा है, लो गिव मी, कोई काम को तुम लोग ढंग से कर लो, तो ब्राइटनेस कहाँ भाई इसमें, चलो ठीक है, नया लिए हो क्या, लीजिए हमको भेज दीजिएगा, बने ये रखे रहिए, चले ये समझ में आ गया। तो आपका लिकोप्लास्ट में, अब मैं यहाँ से बताऊंगा, तो मैं यहाँ मिटा देता हूँ फिर बताऊँ। आप तो आपका जो लिकोप्लास्ट होता है, लिकोप्लास्ट में तीन पार्ट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पूछता है, क्योंकि उसको पता तुम कहाँ बज रहे हो और तुम कहाँ बजोगे, और एनसीईआरटी तो लिखवा नहीं किया है, और जब एनसीईआरटी में नहीं लिखा है तो चांसेस बड़े कम होते, लेकिन दिक्कत ये है ना कि नीट में एम्स आ गया है, नीट में एम्स भी होता है, तो नीट के ही बेस पे एम्स मिलता है, इसीलिए थोड़े से क्वेश्चन क्या होते हैं बाहर से आने लगते हैं, है ना, चलिए। लेकिन लेवल बहुत कम ही होता है, अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लिए, नोट्स पढ़ लिए, तो आपका पूरा क्वेश्चन 360 में से 360 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। चलिए यहाँ मैंने कहा, अब आइए समझ में, अब ट्रिक समझते हैं। अगर आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ रहा हो कि लिकोप्लास्ट में कौन क्या स्टोर करता है, और आपको ये ना पता हो, हमको पता है लिकोप्लास्ट स्टोर करता है, या आपसे सिंपली पूछेगा विच प्लास्टिड स्टोर क्या क्या, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑयल, स्टार्च को ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, सॉरी फॉर दैट, तो आप क्या बोलेंगे, उसका एक का नाम है जिसका नाम क्या है, क्या नाम है, लिकोप्लास्ट। लेकिन उसमें से पूछेगा कौन कौन स्टोर करता है, तो आपका उसमें से अलग से ट्रिक से आपको बताना होगा, यही देख लीजिए, यहाँ बता देते हैं ट्रिक आपको, मिटा दे पहले हम, चलिए देखिए इसका ट्रिक देख लीजिए, देखिए ट्रिक है आपका, आप बोलेंगे एसपी फसाई से,
है ना, यस पी फंसा ई से आ आ ई में, यस पी ओ सॉरी एस पी ऑफ हो गया, ये ऑफ है, हाँ आप सही है, यस पी ऑफ हो गया आ आ ई में, ये ट्रिक है, क्या बोलेंगे एस पी ऑफ हो गया आ आ ई में, तो दोबारा एस पी ऑफ हो गया आ आ ई में। अब यहाँ देखिएगा ए का मतलब होगा आपका एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, ए का मतलब होगा एलियोरोप्लास्ट और ई का मतलब होगा इलायोप्लास्ट। अब आप देखिएगा एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा, मैं क्या लिख, क्या लिख दूं, ये यहाँ इसको मिटा देता हूँ, ये क्या स्टोर करेगा स्टार्च, ये क्या करेगा प्रोटीन को स्टार्च करेगा, ये प्रोटीन को स्टोर करेगा, ये ऑयल को, ये फैट को, कहानी खत्म हो गई। अब क्या मैं इसमें कंफ्यूज रहूँगा, मेरे सामने नीट का क्वेश्चन आया और मुझे पूछे कि कौन क्या स्टोर करेगा, तो मैं इसी के सहारे हमारा सारा कर लूँगा, मेरा कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा और मैं कन्फ्यूज भी नहीं रहूँगा, आया समझ में, बन जाएगा एस पी ऑफ हो गया आ आ ई में, कहानी खत्म हो गई। अब आइए क्लोरोप्लास्ट किसमें, हाँ क्रोमोप्लास्ट का यही माई बाप है भाई, जब भी आपका ल्यूकोप्लास्ट आएगा तो क्वेश्चन की रेटिंग यहीं से बनेगी और कहीं से ज़्यादा चांस नहीं है बनने का, एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, थोड़ा मोटा लिटिल बिट लिखा होगा, हाँ बताइए, ओ चलिए फिर से लिख देते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं, मैंने कहा अगर आपको इसका याद करना है ल्यूकोप्लास्ट का ट्रिक तो क्या बोलेंगे एस पी ऑफ हो गया, एस पी ऑफ हो गया हो गया है ना, किसमें आ आ ई में, बस सिंपल हो गया। अब मैं यहाँ सीधे लिख देता हूँ, मैं बात करूँगा एमाइलोप्लास्ट का, तो एमाइलोप्लास्ट का स्टोर करेगा स्टार्च, चलिए ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करेगा प्रोटीन, और मैं बोलूँ इलायोप्लास्ट का तो ऑयल एंड इनको स्टोर करेगा, आया ना, अरे आया कि नहीं आया, सिंपल है, हाँ चलिए ठीक। अब आपका क्या चलेगा क्लोरोप्लास्ट, देखिए अगर मैं बात करूंगा क्लोरोप्लास्ट का, बहुत आसान है, पहले इसके बारे में समझ लीजिए, पहले इसको माइटोकॉन्ड्रिया के इक्वलेंस में लेके चलते हैं, पहले ये कैसे माइटोकॉन्ड्रिया के इक्वल, आपसे पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में क्या समानता है, पहले तो क्वेश्चन यही है, चलिए समानता कर लेते हैं, तो मैं बोलूँगा माइटोकॉन्ड्रिया में क्रोमोजोम राइबोसोम 70S था तो बोलेंगे कंटेन, या मैं इसे पहले लिख सकता हूँ मेन साइट ऑफ फोटोसाइंथेसिस, प्लांट के अंतर्गत जो मेन साइट है, जो जगह है फोटोसाइंथेसिस की, वो कौन है क्लोरोप्लास्ट, आया ना, कंटेन क्या देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, इसके पास खुद का क्या होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, दूसरा डबल मेम्ब्रेन होता है, आ गया डन बाइनरी फ्यूजन, क्या करता है बाइनरी फ्यूजन करता है, नेक्स्ट सेमी ऑटो नॉमस सेल ऑर्गेनेल है, क्या है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, इसका मतलब इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता तो ये अपना खुद का डीएनए बना सकता है, इसे अपना डीएनए बनाने के लिए किसी से पूछने की जांचने की जरूरत नहीं है, अगर इसको अपना क्लोरोप्लास्ट बनाना तो भैया ये खुद बना लेगा क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस से पूछने जांचने की जरूरत नहीं है। तो आपसे पूछेगा न्यूक्लियस के अलावा सेल में कौन से ऐसे दो सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके पास खुद का अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, खुद का अपना राइबोसोम होता है, भले 70S हो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, बाइंड डिफ्यूजन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्रोटिक का नेचर किसका होता है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, ये समान बात है जैसे उसमें होता है, ये नहीं, ये समान बात है, ये तीनों समान बात है। नेक्स्ट क्या है क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट बात यहाँ है कि इसके पास पिगमेंट प्रेजेंट होगा, पिगमेंट होगा ना,
इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। कौन कौन सा, ए बी सी, और क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट ए बी सी, और मैं बोलूँगा कार्टिनोइड, कार्टिनोइड, ये क्लोरोफिल में ज़्यादा पाया जाता है। समझ में आया ना। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसमें स्ट्रक्चर बताएं कि थ्योरी भी बताएं। अच्छा पहले लिख देते हैं, क्लोरोप्लास्ट की अगर आप बात करेंगे, हाँ एक चीज़ ये लिख दें, मेक एनर्जी फॉर हिमसेल्फ, ये अपनी एनर्जी अपने लिए बनाता है, मतलब कि एनर्जी बनाता है कि सेल को नहीं देता है, अपनी यूज करता है, ये एनर्जी बनाता है फॉर हिमसेल्फ, ये लाइन याद, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल नहीं कहते लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के कहते हैं। कंटेन एंजाइम, इसके पास क्या होगा, एंजाइम होगा, एंजाइम का नाम होगा रूबिस्को, क्या नाम होगा, रूबिस्को। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ऑक्सीजिनेज याद रखिएगा, ये बहुत बार मैं इसको पढ़ाऊंगा, है ना। रूबिस्को की मेन प्रॉपर्टी ये होती है, देख लीजिएगा, अगर ऐसे लिखा है तो फुल फॉर्म आपके सामने लिखा है, राइबुलेज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, सिंपल है, इसी को फुल फॉर्म कर लीजिए। पहले मैं इसमें कंफ्यूज रहता था, आप यहाँ जाइए, राइबुलेज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, फुल फॉर्म से निकल जा रहा है आपका, है ना। इसकी इसका स्पेशल फीचर देख लीजिए, स्पेशल फीचर, अच्छा इसका क्या है, मोर एफिनिटी टू बाइंड, ये आपका रूबिस्को को ज़्यादातर किसको ये पसंद करता है, CO2 देन O2। इसका O2 से क्या मतलब है, क्लोरोप्लास्ट को तो काम करने के लिए CO2 चाहिए ना भाई, वो तो ऑक्सीजन निकालेगा, क्या करेगा, ऑक्सीजन वो निकालेगा, समझ में आया ना, वो क्या करेगा, उसको ऑक्सीजन निकालना है, उसको O2 कहाँ पसंद है। लेकिन हमारी बॉडी अगर हम बात करेंगे, सबके बॉडी में लिखा हो कि आपका ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी के अंदर होता है, अब इसको यहाँ O2 रखा गया, यहाँ CO रखा गया है, क्योंकि ये CO2 को तो लेके जाता है सेल से, लेके आएगा ऑक्सीजन को, लेकिन अगर इसको रास्ते में ये मिल गई कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल गया, तो ये इसको लेके भाग जाएगा, बोलेगा ये विदेशी है, ये गंवार है, गाँव का लड़की आया, इसको उठा कर चला, कहेगा नहीं हमको ज़्यादा ही पसंद, 250 गुना ज़्यादा इसको लाइक करता है, और गाना गाता हम तेरे बिना रह नहीं पाते, तेरे बिना के इसको देखे तब गाना चला, पहले तो इसको हर काम चलता रहा, तो हर गोड़ दबा पैर दबा तब ना कोटे से एक देखे तो उन्होंने लार छुआ दो चार बल्टी, हाँ अब गाना गाए दिल चेर के देख तेरा ही नाम होगा, एक मिला कहा बहू तुम्हार नाम ना तुम्हार काम हुई, काम हुई और चुरा ही हम खाब। समझ में आया ना, कहानी आया कि नहीं आया, इसका मतलब याद रखिएगा, हेमोग्लोबिन को अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया तो वो ऑक्सीजन को छोड़ के उसके साथ जुड़ जाएगा और आपके बॉडी में ले जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और तो हर माइटोकॉन्ड्रिया चिल्लाती है कि हमके ऑक्सीजन चाहिए, अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहा देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कहेगी ये का दहला, वो बोलेगा ये का ला रहे हो, तो कहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो अरे मन करा लीला नंदल मर जा, कहेगा नहीं हम मरब, और जब वो मर जाएगी तो आपके सेल में एनर्जी नहीं बनेगी, तो हर सेल में एनर्जी नहीं बने तो इंसान खुद मर जाएगा, इसलिए कहते हैं बंद रूम में कभी कोयला जला के मत सोइए ठंडक में, आया ना, तो आदमी सूते सूते सो ही जाए, हाँ उठे ना ही उठ गए, समझाया, ये कंडीशन है, कहें बाबू गए सोई और सूते सूते सोई गई और उठे ना ही उठ गए, चार लोग उठा के ले गए गाँव से, का मतलब है, समझ में आया, ये याद रखिएगा। इसी तरह देखो यहाँ भी है, यहाँ भी दिया कि नहीं है भैया, रूबिस्को की एफिनिटी किसके साथ ज़्यादा है, CO2 के साथ, आया ना, सिंपल है। आगे चलें, चलें डायग्राम बना दे, मेरे ख्याल से आ जाएगा इसी में। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये भी आपका डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है। अगर आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम नहीं बनाना है तो आपको कहना है एक ठी अंडा बीच में डंडा, एक ठी अंडा बीच में डंडा और उकरे ऊपर छोट छोट अंडा, बन गया क्लोरोप्लास्ट। अरे आया कि नहीं आया, आया जी,
तो क्या बोलेंगे, एक थी अंडा, बीज में डंडा, उसके ऊपर छोटा छोटा डंडा आया, नहीं तो ऐसे कह दे ठी अंडा लगाओ भंडा और रखो उस पर ढेर कुल्ली अंडा, आया कि नहीं आया, आसान है। अब देखो ये जब डबल मेम्ब्रेन है तो ये याद रखिएगा, मैंने कहा था ये कौन सी मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, क्या हो गया आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाली क्या हो गई इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन। अब बताइए आप, मैं बोलूं इसमें पोरिन किसके पास पाया जाएगा, सिंपल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में सेम था ऐसे इसमें पोरिन किसमें मिलेगा, मैंने कहा था ना आपको कि पोरिन तो पाया जाता है, किसमें मिलेगा, पोरिन प्रेजेंट, आया कि नहीं आया, आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन होगा तब तो सामान यहाँ घुसेगा, तो अंदर में कौन डाल दे रहा है। इधर देखिए इसको बोलते हैं ये स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कुछ भी जगह है ना उसको स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर क्या मिलेगा आपको, इसको बोलेंगे थैलाकॉइड, क्या बोलेंगे इसको थैलाकॉइड बोलेंगे, और इस टोटल को हम बोलेंगे एक नाम देंगे उसका नाम होगा ग्रेनम, क्या नाम होगा ग्रेनम, और इसका नाम होगा जो दोनों ग्रेनम को जोड़ा इसका नाम होगा स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, आया स्ट्रोमा लैमेली है ये आपका पूरा मिला के ग्रेनम है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ थैलाकॉइड क्या होता है, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, आया ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टैक टुगेदर, स्टैक टुगेदर, जब आपका थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर ऐसे बैठेगा तब ग्रेनम बनता है, और एक से ज्यादा ग्रेनम को ग्राना कहते हैं। मैंने कहा ये 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 पूरे को मिला क्या बोलेंगे, ग्राना बोलेंगे, क्या बोलेंगे ग्राना, इसको क्या बोलेंगे कॉल्ड, कॉल्ड क्या बोलेंगे ग्रेनम, आया कि नहीं आया। अब देखिएगा स्ट्रोमा लैमेली स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर बाबू आपका डार्क रिएक्शन चलता है, कौन सा रिएक्शन डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन में क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, आपसे पूछेगा ये बताइए ग्लूकोज कहाँ बनेगा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, और यहाँ क्या होगा यहाँ यहाँ इसकी बात कर ले, मान लीजिए यहाँ की बात कर ले, यहाँ क्या होगा लाइट रिएक्शन होगा, और लाइट रिएक्शन में क्या होता है फोटोलिसिस होगा, क्या होगा फोटोलिसिस, जब लाइट पड़ती है H2O पे, जब पानी पे लाइट पड़ेगी तो ये टूट जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, है ना, तो आप कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन में पानी टूटता है। नहीं तुम बताओ इतना पानी का है प्लांट पीता है, अभी धान का मौसम आया तो कहता हमारे घेंचा भर पानी भर दी है, हम भाई हम मर जाए तुमसे का टेंशन हमको भरो, क्या उसको इतना पानी चाहिए प्लांट को फोर्सिंग करने के लिए, सिर्फ 1% पानी की जरूरत होती तो इतना पानी का ही वो मांग रहा है, कहे कि उसके अंदर जैसे मान लीजिए मेरी एक दुकान है तो मुझे सामान मंगाना तो मैं DCM से मंगवा सकता हूँ, आया कि नहीं आया, तो DCM जब चलेंगे ढेर सारे DCM चलेंगे तो उसके लिए मुझे रोड बनवाना पड़ेगा, तो पानी क्या है एक तरह का पाथवे की तरह काम करता है प्लांट में, जो क्या करता है जैसे मैंने कहा मान लीजिए मेरे घर से मुझे यहाँ आना है तो मैं अगर आने जाने का साधन नहीं होता तो मान लीजिए मैं इसे नहर भड़क का बनवा दूँ, ओके नहर बनवा दूँ, और उस नहर का इसका मतलब पूरी नहर मूव कर रही है और उसमें मैं बैठ के नाव पे बैठ के मैं तैर रहा हूँ, इसका मतलब जैसे जैसे मूव करेगी वैसे वैसे हम भी आएंगे ना, तो सेम कंडीशन यहाँ है, तो हम पानी की जरूरत पड़ी कि नहीं, उसमें पूरी नहर में पानी लगी कि नहीं लगी है, अब वो मूव करी तब तो तुम मूव करोगे, सेम कंडीशन यहाँ भी है, यहाँ क्या है पानी इतना इसको नहीं चाहिए, पानी मूव करता है तब ये इसके मटेरियल मूव करते हैं, और मटेरियल क्या होता है जमीन के अंदर, तो जमीन के अंदर की ये पानी को लेता है, पानी जमीन के अंदर से आता है पानी मूव करता है तो इसका मटेरियल मूव करता है, उससे से मटेरियल निकालेगा उसके बाद पत्ते से क्या करेगा वो उस पानी को गैस के फॉर्म में छोड़ देता है, आया ना, उसको पीता नहीं है गैस के फॉर्म में छोड़ देता है, इसी तरह पानी लेता है छोड़ता है पानी लेता है छोड़ देता है, आपको पढ़ाएंगे ट्रांसपिरेशन पुल, आया ना सेम कंडीशन, तो प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए लेकिन उसको उसके मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसे पानी का सहारा लेना पड़ता है, जिससे नतीजा ऐसा होता है, आया कि नहीं आया, आया तो यहाँ क्या होगा रिलीज ऑक्सीजन, क्या करेगा रिलीज O2, आपसे पूछेगा ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट में कहाँ बनता है, पहली बार कहाँ बनता है, कहाँ बनेगा थैलाकॉइड, कहाँ बनेगा थैलाकॉइड, आया कि नहीं आया, ये जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेनम की बात समझ में आया ना, ग्रेनम की ये चीज यहाँ से इतना क्वेश्चन बन जाता है आपका, फंक्शन की बात करेगा क्लोरोप्लास्ट का, अगर मान लीजिए फंक्शन पूछेगा तो बोलेंगे हेल्पिंग फोटोसिंथेसिस, स्टोर करेगा लिपिड को थोड़ा सा, और इसका मेन काम है इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन,
क्या होगा? हाँ, तो इसका फंक्शन लिख दे, ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो खत्म हो जाएगा तुरंत ही। फंक्शन हेल्प इन फोटोसिंथेसिस हो गया। दूसरा इवॉल्व O2, और पूछेगा इसका और फंक्शन कुछ बताइए क्लोरोप्लास्ट का। तो अगर क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करेगा तो ठीक है, हाँ सही है, हाँ बस। आ किसका साइड का नहीं आ रहा है? अच्छा उस साइड का, ये हाँ एक बार देख लीजिए भाई, एक बार देख लीजिए। आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन होगा, इनर मेम्ब्रेन की बात ही नहीं करेंगे, पूरा जो लिक्विड भरा है स्ट्रोमा। कौन सा रिएक्शन? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कैसे बनता है? H2O को ब्रेक करेंगे, H2O को ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड साथ कंबाइन करता है, जब कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। नहीं समझ में आया? देखिए CO2 और H2O तो होता था ना भाई, तब तो ग्लूकोज बनाते थे आप, C6H12O6+6O2। तो ये जब ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ऑक्सीजन यहाँ निकल रहा है। तो आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन कि मान लीजिए प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो बताइए ऑक्सीजन आया कहाँ से है? इससे आया, किससे आया है? ये जो ऑक्सीजन निकला है इससे आया है, किससे आया है? किससे आया है? पानी, वाटर से आता है। ऑक्सीजन तो दोनों के पास है, कारण एक क्वेश्चन है नीट का, किससे आ रहा है? तो बोलेंगे इससे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इससे क्या हो गया? फोटोलिसिस। ये वाला इसे चिपकेगा, अगर ये वाला इसे चिपकेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। अब आपसे क्वेश्चन है, अगर थैलाकोइड में फोटोलिसिस ना हो तो क्या होगा? अगर थैलाकोइड में फोटोलिसिस ना हो तो क्या होगा? पानी कभी टूटेगा नहीं, प्लांट कभी भोजन नहीं बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर रेनी सीजन हो तो क्या होगा? फोटोलिसिस प्लांट का नहीं होगा, और जब फोटोलिसिस नहीं होगा तो वो अपना सही से भोजन नहीं बना पाएगा। कहानी समझ में है? तो पूछेगा दूसरा क्वेश्चन, ठंडक में बताइए तो प्लांट कैसी फोटोसिंथेसिस करता है? ठंडक में लाइट का रेडिएशन आता है, भले ज़्यादा कुहेसा रहता है लेकिन लाइट का रेडिएशन आता है। तो रेडिएशन आता है, आपका सोलर पैनल कैसे चार्ज हो जाता है? तब सोलर पैनल चार्ज हो रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है रेडिएशन आ रहा है, तब प्लांट जिंदा है। लेकिन मैंने कहा कुछ प्लांट को अगर मैं धरती क्या करूं, मैं रूम के अंदर रख दूं, तो भैया वहां भी रेडिएशन जाते हैं, रेडिएशन आ रहा है। लेकिन मैंने कहा कुछ प्लांट को हाई चाहिए तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन जिसको कम चाहिए उनमें फोटोलिसिस कम होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में आया ना? अब तू चना से कहेगा चना है ऑक्सीजन दे, चना ऑक्सीजन दे, कहेगा भैया चार ठीक पत्ता में कौन सा ऑक्सीजन तो पाएगा हमसे? आपको जो जिला रहा है वो सब सीरियल्स हैं। अब गेहूं में चार पत्ता होता तो तुमको क्या लगता हुआ तुम्हें 2 क्विंटल ऑक्सीजन दे देगा? जो बड़े बड़े पेड़ हैं जिसमें पत्तियां ज्यादा हैं, जिनमें पत्तियां ज्यादा हैं वो आपको क्या करेगा? ज्यादा ऑक्सीजन देगा। और जो पेड़ छोटे छोटे हैं, तुम मकोए पेड़ से बोलो, हे मकोए ऑक्सीजन दे ना, बंदूक दाग दे, तू दाग दे बढ़िया है, वो कहाँ से ऑक्सीजन आपको? क्या वो आपको जिंदा रखेगा? कहना है हम जैसे मान लीजिए अभी कोरोना आया था तो वेंटिलेटर कमी थी, तो कहना है हम अपने घर में मकोए लगाए हैं, जब हमें दिक्कत होता हम पूरा परिवार जाकर उसे सूंघेंगे, ऐसे करेंगे। अरे कितना ऑक्सीजन पाएगा भाई उससे तू? इसलिए जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वो हमें जिंदा रखते हैं ऑक्सीजन के लिए, जो छोटे होते हैं वो हमें भोजन देते हैं। इसका मतलब भोजन देते हैं तो हमारा भोजन उससे क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रति उसमें ब्रेक होता है। आया? ये कंडीशन है, समझ में आया कि नहीं? तो आज के लिए बस इतना है, चले थैंक यू। हाँ ले लीजिए। ए बाबू इसका नाम लिख देना, क्या आज पढ़ा है? प्लास्टिक। वो कल का सबका टॉपिक होगा, एक क्या कौन सा?